नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीईसी लाइव लेक्चर सेशन में। मित्रों, आज के इस सीईसी लाइव लेक्चर सेशन में हम हिंदी साहित्य की एक श्रृंखला को ले रहे हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य इतिहास। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है तुलसीदास और उनका रामचरितमानस। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर कुमारी एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली के श्रद्धानंद कॉलेज में। यह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। आज हम उनसे इस विषय पर व्याख्यान सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस व्याख्यान से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप इस लेक्चर के अंतिम 10 मिनटों में हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो है 1800-110-430। तो ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए मैं डॉक्टर कुमारी से आग्रह करूँगी कि वो इस व्याख्यान पर प्रकाश डालें। स्वागत है मैम। धन्यवाद सुनीता जी। सीमा जी नमस्कार। मित्रों, जैसा कि अभी सीमा जी ने ही बताया कि आज के हमारा विषय रहेगा तुलसीदास और उनका रामचरितमानस। पिछले काफ़ी समय से हम हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न काल क्रमों में, विभिन्न काल खंडों में जो कालजयी रचनाएं लिखी गई और उनके जो रचनाकार हुए उन पर भी हम विशेष रूप से चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना केवल साहित्य की रचना की अपितु अपने ना केवल साहित्य की रचना की अपितु उन्होंने अपने युग को, अपने समाज को भी प्रेरित किया, उन्हें भी एक दिशा दी। इसी सिलसिले में हमने चर्चा की थी आदिकाल में चंदवरदाई और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो पर। इसी तरह से भक्ति काल में चार काव्य धाराएं मुख्य रूप से प्रवाहित हुई जिन्होंने पूरे समाज को एक दिशा दी। सगुण भक्ति काव्य धारा, जिसके अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा रही। राम भक्ति काव्य धारा के पुरोधा कवि के रूप में तुलसीदास जाने जाते हैं, जिनकी सर्व प्रमुख रचना रामचरितमानस रही। इसी तरह से सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और उनकी रचना थी सूर सागर सा, और इन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसी तरह से सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में हम जयसी से परिचित हैं और जयसी की मुख्य रचना पद्मावत। और इसी तरह से जो अन्य काव्य धारा संत काव्य धारा थी जिसके प्रवर्तक के रूप में संत कबीर जाने जाते। तो भक्ति काल की इन चार काव्य धाराओं के चार पुरोधा कवियों पर हम विशेष रूप से चर्चा आपके समक्ष लेकर आए हैं। सूरदास पर, जायसी पर और कबीर पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं तुलसीदास के ऊपर। जो राम भक्ति काव्य धारा यद्यपि वैदिक काल से चली आ रही थी, संस्कृत में वाल्मीकि रामायण हमारे समक्ष है, कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है, भास का प्रतिमा नाटक है, भवभूति का उत्तर रामचरितम है, तो संस्कृत में राम कथा के विविध रूप, विविध साहित्यिक काव्य रूप हमें दिखाई देते हैं, महाकाव्य के रूप में भी, नाटक के रूप में भी। तो इस तरह से वो जो परंपरा संस्कृत में चल रही थी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भाषा में, लोक भाषा में, लोक के सम्मुख, लोक नायक के रूप में राम के चरित्र को आधार बना करके जो राम काव्य की रचना की गई उसके प्रवर्तक तुलसीदास कहलाए। और राम भक्ति काव्य धारा में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर दिया, एक ऐसा मानदंड प्रस्तुत किया कि परवर्ती काल के जितने भी कवि हुए वे उनके प्रेरणा स्रोत बने। परवर्ती काल में यद्यपि राम काव्य उस रूप में नहीं रचा गया जिस रूप में रामचरितमानस की रचना हुई, क्योंकि रामचरितमानस तो अपने आप में मील का एक पत्थर है, एक कालजयी रचना है, और कालजयी रचना किसी एक काल विशेष के लिए नहीं होती, वे सार्वभौमिक सार्वकालिक रचना होती है। तुलसीदास ने अन्य रचनाएँ भी की, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली आदि अनेक रचनाएं की,
और ये सब प्रकाशित भी हैं, परंतु जो मुख्य उनकी प्रसिद्धि का आधार स्रोत बनी वे रामचरितमानस थी। तो आज हम मित्रों इस रामचरितमानस को लेकर के आपके समक्ष चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास समग्र मानवता के कवि हैं, संपूर्ण मानवता के कवि हैं। वे भारत की धर्म परंपरा के अन्यतम रक्षक, भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतीय संस्कृति का स्वरूप देखना हो तो रामचरितमानस एक आदर्श रूप हमारे सामने लेकर के आता है। तुलसीदास भक्त के रूप में, लोकनायक के रूप में और एक कवि के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उनका व्यक्तित्व उच्चतम स्तर की प्रतिभा तथा विराट एवं उदात्त दृष्टि के कारण महाकवि तथा लोकनायक के गौरव से संपन्न है। साहित्यिक दृष्टि से देखें, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से देखें, काव्य के मानदंडों पर देखें, तो तुलसीदास एक महाकवि के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं। और लोक को जिस तरह से उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया, तो एक लोकनायक के रूप में भी वे हमारे गौरव से संपन्न होकर हमारे समक्ष आते हैं। उनकी उदात्त सांस्कृतिक समन्वय चेतना, चरित्र निर्माण एवं कलात्मक विभूति का साक्षात प्रमाण है रामचरितमानस। यह धर्म ग्रंथ, संस्कार ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ जैसे अनेक रूपों से समादृत है। इस ग्रंथ में हम देखते हैं हमें पुराणों के विषय में, स्मृतियों के विषय में, संस्कारों के रूप में, एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में, विभिन्न रूपों में हमें इसकी अनेक प्रतिरूप, अनेक छवियां दिखाई देती हैं। और रामचरितमानस की तो इस रूप में महिमा रही कि पर्णकुटी से लेकर, झोपड़ी से लेकर राजमहल तक असंख्य पाठकों एवं श्रोताओं द्वारा रामचरितमानस को पढ़ा और सुना जाता है। आज भी 500-600 साल के बाद भी रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में, एक पूज्य ग्रंथ के रूप में समादृत है। आज भी घरों में रामचरितमानस को एक गौरव ग्रंथ के रूप में आदर दिया जाता है। मंदिरों में विशेष रूप से रामचरितमानस के पाठ रखे जाते हैं। 24 घंटे का पाठ, 9 दिन का पाठ, प्रतिदिन उसका पाठ किया जाता है। और उसको एक उससे प्रतिदिन जब भी हम मानस को पढ़ते हैं तो मानस में प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा निकल कर आता है जो हमारे जीवन के लिए एक दिशा बोध बन जाता है। क्योंकि मानस तो पूरा सूक्तियों का भंडार है। हालांकि सूक्ति लिखने के उद्देश्य से तुलसीदास ने मानस की रचना नहीं की, पर पात्रों के मुख से कुछ ना कुछ ऐसा सूक्ति कथन कहलवा दिया है जो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो विशद मानव धर्म, सार्वभौम दर्शन और मनोहारी काव्य कला का प्रयाग रामचरितमानस विश्व साहित्य का, भारतीय साहित्य का नहीं अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य का सर्वोपरि गौरव ग्रंथ है। रामचरितमानस के अनेकानेक अंश विश्व काव्य के अपरिहार्य अंग माने जा सकते हैं। इन अंशों में मानव मूल्यों के विकास का प्रयास दृष्टिगोचर होता है। कहीं शील का पावन बिंब, कहीं मर्यादा का शालीन स्वरूप और कहीं सौंदर्य का जीवंत शब्द चित्र। तो शील, सौंदर्य और मर्यादा तीनों का संगम हमें रामचरितमानस में देखने को मिलता है। तुलसीदास स्वयं कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति। अनेक पुराणों, वेदों, शास्त्रों और रामायण के विराट आधार, क्वचित अन्यतोपि की मौलिकता कि निगमों में, आगमों में, वेदों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में
जो कहा गया और क्वचित अन्यतो भी, और कुछ अन्य स्थान पर अन्यत्र भी जो कहा गया वह सब रामायण में प्रस्तुत है। और राम क्वचित अन्यतो भी कहने से उसकी मौलिकता भी प्रकट होती है, मानस की मौलिकता जो तुलसीदास के अपने व्यक्तित्व से, उनके अपने आचरण से उनकी मौलिकता का परिचायक है। और तुलसी कहते हैं स्वांतः सुखाए, कि वह इस रचना को स्वांतः सुखाए प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु वास्तव में उनका स्वांतः सुखाए जो है वो सर्व सुखाए में परिवर्तित हो गया। वे कवि का व्यक्ति विशेष का अंतःकरण का सुख नहीं है, तो स्वांतः सुखाए की तलस्पर्शी सूचना से मानस के सांस्कृतिक और महाकाव्यात्मक आयाम सुस्पष्ट हो जाते हैं। जो एक महाकाव्य में एक उदात्त स्वरूप मिलता है वह उदात्तता, वह दिव्यता और वह कलात्मकता और सांस्कृतिक गौरव के साथ हमें मानस में दिखाई देती है। तुलसी का स्वांता सुखाए भी बहुजन हिताय है, वे लोक कल्याण की बात, लोक मंगल की बात करते हैं, उनका व्यक्तिगत सुख नहीं है। तुलसीदास ने स्वांतः सुखाए और स्वांतः तमाशांतः को काव्य का प्रयोजन बतलाकर सर्वांतः सुखाए और सर्वांतः तमाशांतः मानस की रचना की। जब कोई भी रचना लिखी जाती है, कोई भी रचनाकार करता है तो एक विशिष्ट प्रयोजन से करता है, और तुलसीदास जब मानस की रचना करते हैं तो वह उसका प्रयोजन स्वांतः सुखाए और स्वांतः तमाशांतये की बात करते हैं, कि तमस की शांति के लिए किया जा रहा है, अंतःकरण के सुख के लिए किया जा रहा है। परंतु ये अंतःकरण का सुख केवल कवि का नहीं, सर्वजन सुखाए है और सर्वजन तमाशांतये है। तो देखा जाए तो तुलसी का अपना था भी क्या, सब कुछ तो राम का था। सब तज हरि भज, सब कुछ छोड़ करके सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं को, भौतिक कष्टों को, भौतिक जीवन के सभी बातों को छोड़ करके हरि भज, इस अवस्था में द्वैत का पर्दा सारा उठ जाता है, एक अद्वैतता का भाव आ जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड में एकात्मता और परम सत्ता के दर्शन होने लगते हैं। जब सारा विश्व ब्रह्ममय या आत्ममय दिखने लगता है तो प्रेम, शांति, करुणा, मैत्री की अंतः किरणें चारों ओर से प्रविष्ट होने लगती हैं। जिसे कबीर कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, कि जो पूरे ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, और जो इस पिंड इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। और यही बात तुलसीदास भी कहते हैं, और ऐसी अवस्था में समस्त विश्व रूप आत्मरूप हो जाता है और समस्त आत्म कल्याण, विश्व कल्याण एवं आत्म सुख विश्व सुख बन जाता है। तब वो व्यक्तिगत सुख ना रह करके विश्व सुख की बात करते हैं, आत्म कल्याण की बात ना करके विश्व कल्याण की बात करते हैं। तो यही कारण है कि तुलसीदास का जो स्वांता सुख है वे सर्वांता सुख बन गया। ये तो मित्रों अभी हमने बात की मानस के प्रयोजन की, कि कवि का इस रचना के पीछे प्रयोजन क्या था, लोक मंगल, लोक कल्याण, सर्वजन हित, विश्वहित, जनहित। अब हम मानस की कथा वस्तु की बात करते हैं, कि मानस की जो कथा वस्तु है उसके अगर हम स्रोत के रूप में देखें तो मानस की कथा वस्तु वेद पुराण प्रथित और साहित्य की लंबी परंपरा द्वारा अनुप्राणित होकर भी कवि की निजता से, कवि की अपनी मौलिकता से महाप्राणित होकर के आत्मरस से युक्त है। तुलसीदास ने रामायण सत कोटि अपारा, तो जितनी रामायण राम कथाएं रची गई थी अपार, सत कोटि
अपारा की बात करते हैं, उन सब को निचोड़ कर, उन सब का सार लेकर के और मानव मूल्यों को समग्रता बिंबित एवं सुस्थापित कर दिया है। तो उद्देश्य क्या है? मानव मूल्यों को स्थापित करना, समाज को मानव मूल्य प्रदान करना और कथा का आधार लिया प्रसिद्ध राम कथा और मानस के प्रेरणा स्रोत मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, श्रीमद् भागवत, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, अनर्घ राघव, विष्णु पुराण, अद्भुत रामायण, महापर रामायण, आनंद रामायण, योग वशिष्ठ, रघुवंश, शिव पुराण आदि रहे। तो ये सब रचनाएं तुलसी की रामचरितमानस से पूर्व हो चुकी हैं और मानस के रचना करने से पहले तुलसीदास इन सब रचनाकारों के प्रति अपनी विनम्रता को, अपनी कृतज्ञता के भाव को भी प्रकट करते हैं। तो हिमालय स्थित मानस की मानसरोवर की जाह्नवी, मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा, ये धाराएं क्रमशः मिल करके जिस प्रकार गंगा को जन्म देती हैं और चराचर को, जड़ चेतन सभी प्राणियों को कृत कृत्य करती हैं, उसी प्रकार कवि के मानस से वेद, दर्शन, पुराण और धर्म, इन चार बड़ी धाराएं निकल करके एक में मिल जाती हैं। तो इस तरह से मानस में मित्रों हमें वैदिक परंपरा, दर्शन का, पुराणों का और धर्म का, ये चार विभिन्न धाराएं जो हैं वे मानस में एक गंगा के रूप में, एक धारा के रूप में प्रवाहित होती हुई मिलती हैं और लोक कल्याण के लिए ये धारा आगे बढ़ती चली जाती है। तुलसी स्वयं कहते हैं, सुर सरी सम सब कै हित हुई, कि जैसे देव नदी गंगा जो है सभी प्राणियों के हित के लिए धरती पर अवतरित हुई है, उसी तरह से राम कथा भी विश्व के कल्याण के लिए, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए आई है। तो इस लक्ष्य को लेकर के चलती हुई नाना पुराण निगमागम सम्मत, जो मानस है, रामचरित मानस है, ये मानव मानस की संवेदनाओं को, मनुष्य की अनुभूतियों को और कर्तव्यों का प्रकट करती है, उजागर करती है, ना केवल उनका उद्घाटित करती है अपितु उनका पूर्ण एक विश्वकोश के रूप में हम उसे देखते हैं। तो मानस मनुष्य मन की संवेदनाओं का, अनुभूतियों का और कर्तव्यों का, कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, किस वर्ण व्यवस्था में, किस आश्रम में उसका क्या कर्तव्य है, तो इस सब का एक समृद्ध विश्वकोश के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। रामचरितमानस की जो कथा है, पूरा मानस जो है वो संवाद रूप में चलता है, संवाद शैली में चलता है और उसमें हमें चार श्रोता और वक्ता दिखाई देते हैं। एक है शिव और पार्वती के संवाद के रूप में, पार्वती जिज्ञासा रखती हैं और शिव उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, और दूसरा है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के संवाद के रूप में, तीसरा है काकभुशुंडी और गरुड़ के संवाद के रूप में, गरुड़ प्रश्न करते हैं और काकभुशुंडी उनके उत्तर देते हैं, और चौथा स्वयं कवि तुलसीदास जब पाठकों से सीधा संबंध स्थापित करते हैं, जब पाठकों को सीधा रूबरू होते हैं। तो इन चारों का जो रूपक संपन्न उल्लेख है वे तुलसीदास स्वयं मानस में करते हैं। उनका कथन है, सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई एही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। तो चार मनोहर घाट की कल्पना की है, शिव और पार्वती द्वारा जो संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है वे शैव और शाक्त का संवाद है, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के द्वारा जो संवाद किया गया है वे ऋषि मुनियों के मध्य, ज्ञानियों और योगियों के मध्य का संवाद है। इसी तरह से काकभुशुंडी और गरुड़ का जो संवाद है वे भक्त और वैष्णव का संवाद है।
वैष्णव गरुड़ विष्णु भक्त हैं, विष्णु की सवारी हैं, और इनको इन सबको रामचरित मानस में संपृक्त करके तुलसीदास ने मानव को सार्वभौम कर दिया। उसमें एक समन्वय की हमें विराट चेष्टा दिखाई देती है। शैव शाक्तों में और ज्ञानियों और योगियों में, ज्ञान कर्म और भक्ति में, लोक में और शास्त्र में, तो इन सब में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास तुलसी हमें दिखाई करते हुए दिखाई देते हैं। देव देवी ऋषि मुनि ज्ञानी योगी भक्त इत्यादि सभी को रामचरितमानस से जोड़ करके, रामचरितमानस से संबद्ध करके तुलसीदास ने सुंदर समन्वय की सृष्टि की है, एक बहुत सुंदर रूपक बांधा है। मिश्र बंधु इतिहासकार हुए, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की, उन्होंने मानस को देख करके और इस इन सब को चार घाटों के रूप में किस प्रकार चित्रित किया। मिश्र बंधु शिव पार्वती संवाद को ज्ञान घाट का नाम देते हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद को कर्म घाट का नाम देते हैं, काकभुशुंडी गरुड़ संवाद को उपासना घाट कहते हैं, और तुलसीदास का स्वयं जो भक्तों के साथ संवाद है उनको वे दैन्य घाट नाम देते हैं। तो तुलसीदास ने जो सुभग सर घाट मनोहर चारी, चार मनोहर घाटों की बात कही थी, तो उन चार मनोहर घाटों को मिश्र बंधु इन नामों से संबोधित करते हैं, ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट और दैन्य घाट। ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति, ये चार ही वैचारिक प्रौढ़ी की उपलब्धियां हैं, वैचारिक प्रौढ़ियां हैं। हम देखते हैं साधना मार्ग, प्रभु की प्राप्ति के जो साधना मार्ग हैं वे मुख्य रूप से यही चार हैं, कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई उपासना के माध्यम से, कोई योग के माध्यम से और कोई भक्ति के माध्यम से ईश्वर को पाने के लिए प्रयास रहता है। तो ये जो चारों संवादों के रूप में मानस की कथा चलती है, इन संवादों में जो शिव है वो ज्ञानोपदेश करते हैं, तो याज्ञवल्क्य वे कर्मोपदेश करते हैं, कर्म का महत्व बता रही है कि बिना कर्म के जीवन नहीं चलता है, संसार नहीं चलता है, तो वो कर्मोपदेश कर रहे हैं। काकभुशुंडी जो है वे भक्ति का उपदेश देते हैं, और स्वयं कवि तुलसीदास वे अपने श्रोताओं के बीच में इन तीनों का समन्वय करके चलते हैं, ज्ञान का भी, कर्म का भी और भक्ति का, और इन तीनों का समन्वय करके दिव्य शील या चरित्र की शिक्षा देते हैं। ज्ञान, योग और कर्म से समन्वित भक्ति ही समग्र जीवन दर्शन बन सकती है। तो तुलसीदास भक्ति को महत्व देते हैं, परंतु भक्ति भी कैसी भक्ति, जो कर्म, ज्ञान और योग समन्वित भक्ति है। केवल भक्ति अंधविश्वास में हो सकती है, अंधश्रद्धा हो सकती है, परंतु वे भक्ति की बात करते हैं, कैसी भक्ति, जो ज्ञान, कर्म और योग से समन्वित है। ज्ञान रहित भक्ति कोरी भावुकता है, वे भाव से युक्त हो जाती है, और योग रहित भक्ति सार रहित विवशता है, और कर्म रहित भक्ति परोपजीवी निरीहता है। तो जिस प्रकार प्रयाग से आगे गंगा, गंगा मात्र कही जाने पर भी यमुना और सरस्वती उनसे संपृक्त रहती है, उनको भी अपने साथ लेकर के चलती है, उसी प्रकार महिमा का चरम उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति, भक्ति मात्र कही जाने पर भी ज्ञान, योग और कर्म इनको अपने साथ लेकर के चलती है, और इस प्रकार से संपूर्ण जीवन दर्शन का एक प्रतीक बन जाती है। इसीलिए तुलसीदास जो है ज्ञान और भक्ति की तात्विक एकता स्वीकार करते हुए और युग सापेक्ष और सरल होने के कारण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। तुलसीदास की भक्ति जो है वे वैदी भक्ति है, शास्त्रानुमोदित भक्ति है, विधि निषेध युक्त भक्ति है, वे रागानुराग
रागानुगा मधुरे भाव की भक्ति नहीं है जो सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवियों में हमें दिखाई देती है। तुलसीदास की भक्ति मर्यादित भक्ति है और इस भक्ति में ज्ञान, कर्म और योग इन तीनों का समन्वय साथ साथ चलता है। तुलसी स्वयं कहते हैं, राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, विधि निषेधमय कलिमलहरणी। विधि निषेधों से युक्त है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और जो निषेध जो हमारे लिए उचित नहीं है, जो हमें नहीं करना चाहिए, उसका निषेध करते हुए कलिमलहरणी, कलिमल कलियुग के सभी दोषों का, सभी पापों का निवारण करने वाली है। कर्म कथा रघुनंदनी भरनी, इस तरह से वे भक्ति की बात करते हैं। और तुलसीदास भक्ति को सांस्कृतिक आधार प्रदान करते हुए किसी भी सांप्रदायिक बंधन में बंधे बिना मनसा वाचा कर्मणा सरल आचरण का पर्याय बना देते हैं। तो भक्ति के लिए कोई दिखावा, कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु भक्ति सरल जीवन का एक पर्याय बन गई है, जीवन जीने की एक पद्धति बन गई है। और तुलसीदास अपने युग में प्रचलित सभी मत मतांतरों को, सभी संप्रदायों को कलिमल दोष से ग्रस्त मानते हुए भक्ति द्वारा एक नवीन जीवन दर्शन देने का प्रयास करते हैं। और उनका ये प्रयास तत्कालीन भोगवादी संस्कृति के लिए एक चुनौती के रूप में था। जो संस्कृति एक भोगवाद को लेकर के बढ़ रही थी, विलासिता को लेकर आगे बढ़ रही थी, तो उनके सामने एक चुनौती बनकर के प्रस्तुत होती है। मानस में वाल्मीकि के द्वारा 14 भुवनों का संकेत, शबरी को दिया गया नवधा भक्ति का उपदेश, विभीषण जब युद्ध का समय है और उस समय विभीषण के समक्ष एक धर्मरथ का प्रतीक प्रस्तुत करते हैं, तो ये भक्ति के इसी रूप को व्याख्यायित करता है। तुलसी की दृष्टि से भक्ति मानव जीवन का सार है और विषयों का भोग मात्र इस जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बड़ी कठिनाइयों से अनेक कष्ट सहन करके एक मानव योनि प्राप्त होती है, तो इस मानव दुर्लभ मानव योनि को व्यर्थ ना गंवाकर उसे प्रभु भक्ति में लीन करना चाहिए। तो इस तरह से मित्रों, अब आज हम मानस में जो भक्ति का स्वरूप तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है, इस पर चर्चा की है, मानस की कथा वस्तु के संदर्भ में। इस चर्चा को हम अल्प विराम के बाद आगे पुनः बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम। दोस्तों, तुलसीदास और रामचरितमानस की इस व्याख्यान को हम एक छोटे से अंतराल के बाद दोबारा से जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुलसीदास और रामचरितमानस के चित्रण पर, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। तो मैं मैम से आग्रह करती हूँ कि वो इस व्याख्यान को जारी रखें। मैम, प्लीज़। धन्यवाद। हमने अभी चर्चा की थी मानस के भक्ति भावना को लेकर के, अब हम बात करते हैं मानस में आचरण पक्ष को लेकर के, कि मानस में सदाचार को बहुत महत्व दिया है तुलसीदास ने, और मानस की कथा पूर्ण जीवन की अशेष कथा है। प्राचीन कथा में मौलिकता को कवि ने इतनी सूक्ष्मता से फिट कर दिया है कि जरा भी भान नहीं होता और ना ही प्रवाह में कहीं कोई शिथिलता आने पाई है। कल्प कोटि हरि चरित सुहाए से लेकर औरव कथा अनेक प्रसंगा, इन सब को समेटते हुए मानव आचरण को समग्र रूप से प्रस्तुत करना तुलसी जैसे सिद्धहस्त कवि का ही काम है। आचार प्रौढ़ी में जब हम आचरण की बात करते हैं तो मानस का कोई जोड़ नहीं, इसके समक्ष कोई अन्य रचना नहीं ठहरती। चाहे वे युग आचार हो, सनातन आचार हो, चाहे वे काव्याचार हो या धर्माचार हो या लोकाचार, जीवन के समग्र आचारों का विश्वकोश मानस है। आचार को परम धर्म कहा गया है, आचारा परमो धर्मः। देखिए, आप प्रत्येक प्राणी की पहचान उसके आचरण से ही होती है, इसीलिए आचार को परम धर्म कहा गया है। और यह धर्म शरीर धर्म, मानस धर्म, परिजन धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म, मानव धर्म के रूप में विकसित होता हुआ अंत में आत्मधर्म में संप्रतिष्ठित हो जाता है। और मानस के सभी पात्र धर्म के विकास के इन स्तरों को क्रमशः पार करते हुए दिखाई देते हैं। बाली रावण आदि खल पात्र भी राष्ट्र धर्म तक की भूमिकाओं का निर्वाह पूरी सफलता से करते हैं। शेष पात्र जो रामत्व के प्रसार के लिए समर्पित है, वे विश्व धर्म और मानव धर्म तक की आचार भूमि तक जा पाते हैं। लक्ष्मण, सुग्रीव, भरत, हनुमान, शबरी आदि आत्मधर्म तक अपनी सनातन रेखा खींचकर प्रतिष्ठित करते हैं। राम तो त्याग का आदर्श समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज देखिए, समाज में धन संपत्ति को लेकर के भाई भाई का वध कर रहा है, पुत्र पिता का वध कर रहा है, संपत्ति को, भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। और राम जैसे राजा जिनका राज्याभिषेक होने जा रहा है और पिता का आदेश होता है वन जाने के लिए, तो वह पिता के दिए हुए राज्य को बटाऊ की भांति त्याग करके वन चले जाते हैं। सीता और लक्ष्मण भी राज्य के महलों के सभी सुख ऐश्वर्यों का त्याग करके वनवासी हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पति वहाँ उनकी पत्नी साथ जाएगी। और बड़ा भाई राजमहलों का सुख त्याग करके वन जा रहा है, तो छोटा भाई लक्ष्मण भी उनका अनुगामी बनता है, वे भी महलों का सुख परित्याग कर देते हैं। तो त्याग का एक चरम आदर्श रूप हमारे सामने राम, लक्ष्मण, सीता के रूप में दिखाई देता है। सीता एक और पतिव्रता के आचार धर्म का पालन करते हुए सहर्ष पति के साथ वन जाने को प्रस्तुत होती है, तो दूसरी ओर लक्ष्मण अनुज धर्म का आचरण करते हुए, छोटे भाई का कर्तव्य पालन करते हुए अग्रज राम के साथ सभी राजसिक ऐश्वर्यों को, सभी महलों के ऐश्वर्यों का परित्याग करके वन जाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। भरत जिनके लिए राम सिंहासन का परित्याग करते हैं, वे भी अयोध्या के राज्य को त्याग करके नंदीग्राम में वैरागियों का जीवन व्यतीत करते हैं। तो सब कुछ होते हुए, महलों में रहते हुए भी महलों के सुखों का परित्याग करने का एक आदर्श भरत हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास ने भरद्वाज जैसे ऋषियों का भी आदर्श प्रस्तुत किया है, जो समस्त रिद्धि सिद्धियों के स्वामी हैं, जिनके पास
सारी समृद्धियां हैं, परंतु सन्यासियों की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। केवल अवसर पड़ने पर, चित्रकूट में भरत के आगमन पर, अपनी रिद्धि सिद्धियों के द्वारा उनके लिए सुख सुविधाओं की योजना कर अयोध्या वासियों और भरत को आश्चर्य में डाल देते हैं। जब राम वन के लिए चले जाते हैं और चित्रकूट में हैं और वहाँ उनके पास भरत जाते हैं मिलने के लिए और अयोध्या वासी कुछ लोग और भी जाते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए ऋषि भारद्वाज जैसे ऋषि जो हैं, वे अपनी रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग करते हुए उनकी इतनी सुंदर आवभगत करते हैं कि वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। परंतु स्वयं रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग वे अपने लिए नहीं करते हैं, वे सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते हैं। तो होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, सन्यासियों का जीवन जीने का एक आदर्श हमें इन ऋषियों के माध्यम से मिलता है। मानस के मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी संवेदनात्मक स्तर पर सदाचार की साक्षात मूर्ति हैं। राम के वियोग में अश्व व्याकुल हो उठते हैं। दक्षिण दिशा जिस ओर राम गए हैं, वन गए हैं, तो उस दिशा की ओर देखकर हिनहिनाते रहते हैं, घास चरना छोड़ देते हैं, जल तक ग्रहण नहीं करते। राम की प्रतीक्षा में मुड़ मुड़ कर पीछे देखते रहते हैं और किसी के द्वारा भी राम का या सीता का या लक्ष्मण का नामोल्लेख करने मात्र से कभी उनका नाम भी सुनते हैं तो वे हिनहिनाना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी व्याकुलता को प्रकट करते हैं। तो इस तरह से आचरण का आदर्श मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रकट करते हैं। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की, उस काल की, तत्काल की, मध्यकाल की अगर हम स्थिति पर प्रकाश डालें, उस पर दृष्टि डालें, तो ज्ञात होता है कि समाज का वातावरण कैसा था। समाज में कुंठा, संत्रास, उपेक्षा, भटकाव की स्थिति बनी हुई थी और समाज यातना के लो चक्र में घूम रहा था। इतनी यातनाएं सहन कर रहे थे, एक ओर द्वेषवादी विचारधारा पनप रही थी और दूसरी ओर भोगवादी विचारधारा, और जनता इनके बीच में पिस रही थी। जनता घोर निराशा और आस्था के बीच पिस रही थी। जिजीविषा उनमें जीने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी थी, तो जिजीविषा दम तोड़ चुकी थी। को नृप होई हमई का हानि, कोई भी राजा बने अब उनको इनकी निंदा। ऐसे समय में उत्पीड़ित और निराश मानवता के मसीहा बन करके तुलसी आए। भाषा भणिति के कारण इनकी मति को भोरी कह करके संस्कृत के पंडितों ने उपहास किया। देखिए, तुलसीदास ने शास्त्रों का अध्ययन किया है, काशी में रह करके नर हरिदास से उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया, संस्कृत का पूरा उनको ज्ञान था, बहुभाषाविद थे। आप देखिए, मानस के प्रत्येक कांड का जो प्रारंभ है वे संस्कृत में से होता है, परंतु तुलसीदास अपनी रचना संस्कृत में नहीं करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य लोक मंगल था, जन कल्याण था, और इसीलिए अगर वे संस्कृत भाषा अपनाते तो वे तो शिष्ट जन की भाषा थी। तो जिस लोक तक वे मानव मूल्य पहुंचाना चाहते थे, जिस लोक को प्रबोधित करना चाहते थे, उसके लिए उनकी भाषा अपनाना आवश्यक था। हालांकि उस भाषा में रचना करने के कारण इन्हें ब्राह्मण वर्ग का, शिष्ट वर्ग का अपमान सहना पड़ा, उनके उपहास का पात्र बनना पड़ा, परंतु अपने उद्देश्य से, लोक मंगल के इस उद्देश्य से वे हटे नहीं। भाषा भणिति कहते हुए और इनको भोरा मूर्ख कह करके, और कोई संस्कृत के पंडितों ने इनका उपहास किया, किसी ने इन्हें धूर्त कहा, किसी ने अवधूत, किसी ने राजपूत और जुलाहा तक कह डाला। समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने इन्हें जाति से बहिष्कृत करने का निश्चय तक कर लिया था, किंतु तुलसीदास इन सब से हटे नहीं, इन सब से परेशान नहीं हुए, क्योंकि तुलसी का व्यक्तित्व विलक्षण था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, कि कोई मुझे जाति से बहिष्कृत करता है तो कर दे, मुझे अपनी बेटी को किसी के बेटे से ब्याहना नहीं है।
उन्हें तो राम नाम रूपी अमृत की वर्षा करनी थी, रामचरित की गंगा को भूमि पर उतार कर मानवता को सब के हित होई, बस सब प्राणियों का हित हो, सर्वजन हित हो, इसका वरदान देना था। संसार के सारे मोहजाल को छोड़कर उन्होंने राम से नाता जोड़ लिया था। नाते एक राम के मनियत, बस एक राम से नाता है, बाकी संसार जो कहता है कहे। राम से नाता जोड़कर उन्होंने मानो विश्वात्मा से नाता जोड़ लिया था और पूरी विनम्रता से अपनी अज्ञता को स्वीकार कर लिया। और वे स्वयं प्रारंभ में, मानस के प्रारंभ में कहते हैं, कवि ना हूँ, कि मुझे कोई कविता, कवि नहीं हूँ मैं, कविता करने का दम्भ नहीं है, कवि ना हूँ नहीं बचन प्रवीणु, और ना ही मैं कोई शब्द कुशल हूँ शब्दों को निखारने में या कला के चमत्कार को प्रस्तुत करने में प्रवीण हूँ। सकल कला सब विद्याहीनु, सभी विद्याओं से मैं रहित हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं था, परंतु ये उनकी विनम्रता है कि वे इस भाव को स्वीकार कर रहे हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। ये है उनकी विनम्रता, ये है उनके आचरण, ये है उनका राम से संबंध। ये राम का ही प्रताप था कि आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। और यही काव्योपयोगी साधन उत्कृष्ट रूप में आकर के मानस को सही अर्थ में कलात्मक बना गए। और मानस एक विशेष, एक गरिमामयी महाकाव्यात्मक कृति के रूप में हमारे समक्ष आज भी प्रस्तुत है, और जो समाज को एक जीवन मूल्य प्रदान कर रहा है। तो राम कथा के माध्यम से मानव मूल्यों की स्थापना करना, ये भी कवि का उद्देश्य रहा। राम स्वयं मानवता के प्रतीक है। कुंठा, संतरास, ईर्ष्या, द्वेष, भोगवादी विचारधारा, मृत जिजीविषा आदि अनेक तत्व मानव मूल्यों को मिटाने में प्रयासरत रहते हैं। जब मनुष्य अपनों के द्वारा ही समाज से निर्वासित हो, कुंठित और संतरस्त हो जाता है, जीवन के प्रति उसकी आस्था खंडित होने लगती है, समाज की द्वेषवादी प्रवृत्तियाँ मंथरा बन करके जब मन को मथने लगती हैं, समाज की भोगवादी और स्वार्थी प्रवृत्तियाँ शूर्पनखा बन करके अपनी ओर बलात् आकर्षित करने लगती हैं, मानवता को रुलाने वाले रावण नर पिशाच बन करके जब घूमते हैं, तो प्रत्येक युग, प्रत्येक देश, प्रत्येक काल राम कथा के आश्रय से मानव मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा करता है। तो इस तरह से पौराणिक कथा को आधार बना करके उसको वर्तमान संदर्भ में एक मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से तुलसीदास आगे आते हैं। और तुलसी के राम समग्र गुणों के आगार हैं, समग्र गुणों के भंडार हैं। तुलसी के राम का आकार शील, शक्ति और सौंदर्य, इनका तीर्थराज प्रयाग है। तुलसी राम को लोक रक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उस समय आवश्यकता थी एक ऐसे चरित्र नायक की जो लोक रक्षक बनकर गया है। वे जनता, वे समाज जो पीड़ित है, जो वैषम्यग्रस्त है, जो कुंठाग्रस्त है, उस समाज को एक संबल प्रदान करने के लिए एक लोकनायक चरित्र की आवश्यकता थी। और उस लोकनायक, उस लोक रक्षक के रूप में तुलसी जो है राम को प्रस्तुत करते हैं। तुलसी के राम का आकार शक्तिशील और सौंदर्य, इन तीनों से संपन्न है। यही कारण है कि उनके राम को देखकर सभी अभिभूत हो जाते हैं, चाहे वे महादेव शिव हों या ब्रह्मज्ञानी जनक, अथवा स्वयं अवतार परशुराम या शत्रु रावण, कुंभकर्ण आदि। मानस के राम का सौंदर्य एक पूर्ण पुरुष का सौंदर्य है। शक्ति शील संपृक्त होने के कारण मानस के राम का सौंदर्य प्रेरक और पावन हो जाता है, और उनका दर्शन
केवल आकृष्ट ही नहीं करता अपितु दर्शकों को आह्लादित भी करता है, भक्तों को आनंदित भी करता है। दार्शनिक दृष्टि से हम देखते हैं तो मानस के राम निर्गुण वपुधारी हैं, विभिन्न देवता उनके वशवर्ती हैं, परंतु मानवीय रूप में। जब एक मानव के रूप में हम देखते हैं राम का चरित्र, तो वे सहृदय, कर्तव्य पालक और मानवीय मूल्यों के संरक्षक हैं। राम मर्यादावादी हैं, उनके जीवन का एक एक कर्म मर्यादा से युक्त है, परिवार में सबके प्रति विनम्र और कर्तव्य भावना से युक्त हैं। उनके हृदय में निम्न वर्ग के लिए ममता, ऋषियों मुनियों के प्रति श्रद्धा भाव और वनवासी कोल किरातों के लिए आत्मीयता का भाव राम के चरित्र को उच्च सांस्कृतिक भूमि पर प्रतिष्ठित करता है। वे वनवासी कोल किरातों की भोली बातें ऐसे सुनते हैं जैसे वत्सल पिता अपने बच्चे की बात सुनता है। बचन किरातों के सुनत जिमी पितु बालक बहन, कि जैसे पिता अपने बच्चे की भोली बातें सुनता है, ऐसे ही भक्त वत्सल राम जो है वो कोल की रातों की बातों को, भोली बातों को सुनते हैं। राम अपनी वानर सेना के एक एक सैनिक से उसकी कुशल मंगल पूछते हैं। वानर भी ऐसे सेना नायक को पा करके धन्य हो गए होंगे। तो इस तरह से एक समाज में, एक परिवार में, एक राष्ट्र में कैसे मर्यादा रखी जा सकती है, कैसे मानव मूल्यों की स्थापना की जा सकती है, उसका आदर्श रूप राम के रूप में हमारे सामने आता है। छोटे भाइयों के साथ खेलते समय राम जबकि विजयी हो सकते थे, पर स्वयं जानबूझ करके हार जाते हैं और उन अपने भाइयों का मन रखने के लिए जीती हुई बाजी भी हार दिया करते हैं। हारेऊं खेल जितावहुं मोय। राम विनम्र और पारदर्शी शासक है, तो परिवार के साथ उनका संबंध और प्रजा के साथ, क्योंकि राजा का कर्तव्य प्रजा का ध्यान रखना है, प्रजा की सुख का, प्रजा की सुविधा का ध्यान रखना है। तो प्रजा के जनों को जो है वे अभय प्रदान करते हैं, प्रजा उनके राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। वे कहते हैं कि यदि कभी मैं अनीति की बात कहूँ तो निर्भय होकर मुझे रोकें। कहाँ एक राजा ऐसा है जिसे लगता है कि उसने जो कह दिया वही सत्य वचन है, और वहीं दूसरी ओर राजा राम है, वो कहते हैं कि अगर मेरे मुख से कभी कोई अनीति की बात निकलती है तो मुझे उसी समय रोक देना। तो प्रजा जन का कितना ध्यान वो रखते हैं कि तुलसी के राम सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी निम्न वर्ग के सहायक और मित्र हैं। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली, साधन संपन्न, अन्यायी शासक रावण से टक्कर लेते हैं। मैम एक कॉल है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हमारे पास उनका एक कॉल है, हम अभी एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। जी मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। मैम वाराणसी जी, बताइए आपका सवाल। हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी के राम चरित मानस के राम आज के दौर में कितने प्रासंगिक। जी मैम, सवाल है कि तुलसी चरित्र के, तुलसी रामचरित्र के तुलसी आज के दौर में कितने कितने सशक्त हैं, कितने प्रासंगिक हैं, कितने सार्थक प्रतीत होते हैं। मैं यही बात आपको बता रही हूँ कि तुलसी के राम जो है, तुलसीदास ने जिस तरह से राम का चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वे पौराणिक कथा का लेना, पौराणिक कथा को प्रस्तुत करना तुलसी का उद्देश्य नहीं रहा, मानव मूल्यों की स्थापना करना उद्देश्य रहा। कि एक राजा का क्या कर्तव्य है, राजा का प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, एक बेटे का अपने परिवार के प्रति, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति क्या दायित्व है, उसका निर्वाह वे किस प्रकार से करता है, इसका एक आदर्श राम के रूप में हमारे सामने तुलसी प्रस्तुत करते हैं। कि भाइयों को खुश रखने के लिए, छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं
पराजित हो जाते हैं, बाजी हार जाते हैं। पत्नी के सुख का विशेष ध्यान रखते हैं, प्रजाजन के सुख का विशेष ध्यान रखते हैं। और जिस तरह से उस समय समाज कुंठाग्रस्त था, जिस तरह से उस समय समाज में वैषम्य था, आज भी देखिए स्थिति वही है। और उस समय राम कथा, राम का आदर्श चरित्र जिस प्रकार संबल बन करके आया है, आज भी राम का चरित्र उसी प्रकार से हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करता है। और जब कभी भी हमारे मन में संदेह होता है, जब भी कभी भी हमारे मन में दुविधा आती है कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, जब कभी हम संशय में पड़ते हैं, तो राम कथा, राम का चरित्र हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है और हम उससे दिशा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए रामचरितमानस तो कालजयी रचना है, सार्वकालिक सार्वभौमिक रचना है, वो केवल किसी एक काल विशेष के लिए नहीं है। तो वे रचना जितनी उस काल में महत्वपूर्ण थी, जितनी उस काल के लोगों के लिए आनंदप्रद थी, उससे भी अधिक आज भी प्रासंगिक है, आज भी हम उससे दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपने आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी आशा है। और प्रश्न? और प्रश्न नहीं मैम, और प्रश्न नहीं, आप जारी रखिए प्लीज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि तुलसीदास ने पात्रों के चरित्र के माध्यम से आदर्श इस रूप में रखा है जिससे पारिवारिक संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन होता है, सामाजिक संस्कृति का, राष्ट्र की संस्कृति का, मानव संस्कृति का, एक एक संस्कृति का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं और एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानस हमारे समक्ष आता है। मध्य युग के पतनशील सामंतवादी जीवन की सत्तालोलुपता, धन की लूट, कामुकता, विलासिता की अमानवीय स्थिति को देख करके महाकवि ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को प्रस्तुत किया है। और आज भी यही, आज भी वही सत्ता लोलुपता है, आज भी वही विलासिता की स्थिति है। तो जो इस समाज को पतन से उठा सके, ऐसे राम के पुरुषोत्तम रूप को, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को प्रस्तुत करना तुलसीदास का उद्देश्य रहा है। और सुराज्य, राम राज्य किस रूप में बदल सके, ऐसा राम राज्य जहाँ राम जो है भारतीय जीवन मूल्यों के साकार रूप बन करके हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, वे राम जिनमें ना काम की आतुरता है, ना क्रोध की उग्रता है, ना अभिमान अहंकार उनके सिर उठता है, ना सत्ता संपदा के लिए उनके मन में लोभ है, ना किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है। और आरंभ से अंत तक राम का जीवन एक आदर्श पुरुष का जीवन है। और ये मानवीय चित्र राजभवन में नहीं, विश्वामित्र के आश्रम में प्रशिक्षित होता है। ऐसा चित्र ही, ऐसा चरित्र ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र का आधार है। okay. और मैम हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। जी बताइए। नमस्कार। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, बताइए आपका सवाल। हाँ जी जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। शरद प्रकाश माथुर मेरा नाम है। जी जगत प्रकाश जी, बताइए आपका क्या सवाल है। मैं मैडम रामचंद्र जी के विषय में पूरी जीवन लीला को 110 किलो के पार्ट में लिख रहा हूँ। जी, ऑयल पेंट से लिख रहा हूँ, बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ। जी आप अपना सवाल बताइए। हाँ जी, मेरे को ये जानना है जी, रामचंद्र जी की कोई शिस्तर भी थी क्या? जी मैम। हाँ जी, सवाल है कि क्या रामचंद्र जी की कोई बहन भी थी? हाँ, मतलब राम के बहन एक शांता नाम से थी, शांता उनकी बहन का नाम था, और जब जिसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है, अलग अलग राम कथाओं में अलग अलग कथा मिलती है, पर उनकी एक शांता बहन के बारे में वर्णन मिलता है। जी जी, आपका कोई और प्रश्न है? धन्यवाद मैम, जारी रखिए। थैंक यू। तो मानस में तुलसीदास ने राम के अतिरिक्त जो अन्य पात्रों के भी चित्र प्रस्तुत किए हैं,
वे भी हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भाई का आदर्श, पत्नी का आदर्श, सेवक का आदर्श, पिता का आदर्श, समाज में ये किस तरह से जीवन जिए, किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो ये सभी आदर्श रूप हमें रामचरितमानस में दिखाई देते हैं। और पूरे मानस में एक समन्वय की विराट चेष्टा हमें देखने को मिलती है। लोक और वेद का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, गृहस्थ परिवार और संन्यास का समन्वय, भाषा की दृष्टि से हम देखते हैं, जहाँ एक और शिष्ट साहित्य की रचना हो रही है और उस शिष्ट साहित्य के समक्ष लोक साहित्य को प्रतिस्थापित करना, और स्वयं संस्कृतज्ञ होते हुए भी अवधी भाषा को अपनाना, लोक शैली को अपनाना, लोक जीवन को प्रस्तुत करना, तो ये तुलसीदास का मूल उद्देश्य रहा है। और अपने इस उद्देश्य को प्रस्तुत करने में तुलसीदास पर्याप्त सफल रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने तुलसीदास और उनके रामचरितमानस पर चर्चा की। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। साथियों, आज का ये सेशन मुझे आशा है कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। हम सीईसी में ऐसे ही ज्ञानवर्धक लेक्चर्स के साथ हमेशा आपके साथ मौजूद रहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।